हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वे स्टडी। स्टूडेंट, आज हम यहां पे एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टर्म टू बोर्ड एग्जाम क्लास टेंथ साइंस के। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 230 वोल्ट मेंस, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर, एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फैन। यहां पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फैन है, वो रन कर रहा है, मतलब चल रहा है 230 वोल्ट की सप्लाई पे, मेंस पे। The current flowing through it is 0.4 ampere, और इस फैन में जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.4 ampere की करंट फ्लो हो रही है। तो कह रहा है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी फैन के द्वारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट कैलकुलेट करना है। बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो रेट की बात कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, तो ई अपॉन में टी कर देंगे इज इक्वल टू पावर आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। अब बच्चों पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? यहां पे दिया है हमारे पास पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट दिया है। तो पावर का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्म में क्या होता है बच्चों? पावर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो यहां से पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 230 इंटू 0.4, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 92 वॉट आ जाएगा हमारा पावर। ठीक है, और यहां पे ये जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी means E upon में T, that is क्या आ जाएगी बच्चों? 92 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो किस रेट से फैन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी? 92 जूल पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है सभी को। एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है पावर इंटू टाइम, और यहां पे रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू पावर हो जाएगा। पावर कैलकुलेट करो, वही वैल्यू क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी 92 जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब नॉट फिल्ड विथ एयर, एक्सप्लेन व्हाई आर्गन फिल्ड इन बल्ब। बच्चों यहां पे आर्गन के जगह पे नाइट्रोजन भी लेता है, आर्गन आर नाइट्रोजन कर सकते थे आप। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो होते हैं, या सिंपली इलेक्ट्रिक बल्ब बोल सकते हो, उनमें एयर क्यों नहीं फिलअप करी जाती है, क्यों एयर नहीं भरी जाती है बच्चों? उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है मेटल का, अगर हम उसके अंदर, बल्ब के अंदर एयर फिल कर देंगे तो क्या होगा? वो एयर से मेटल क्या करेगा? रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि मेटल क्या होती है? रिएक्टिव होती है। बच्चों आपने कोरोजन पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, तो कोरोजन में क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आके जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट कर लेती हैं। तो अगर बल्ब के अंदर मैं एयर फिलअप कर दूंगा तो वहां पे वो मेटल एयर से रिएक्ट कर लेगी, और जो मेटल है वो कोरोड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं? एयर फिलअप नहीं करते हैं। एक पार्ट का आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई आर्गन और नाइट्रोजन फिल्ड इन बल्ब। ठीक है, अब कह रहा है कि आर्गन या नाइट्रोजन तो नहीं लिखा है, लेकिन यहां पे होता है। ठीक है, आर्गन या नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है, एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रिक बल्ब में। देखो बच्चों, आर्गन या फिर नाइट्रोजन भरने का रीजन ये रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि ये सारी गैसेस क्या हैं? रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं, या सिंपली आप बोल सकते हो कि जो लेस रिएक्टिव गैसेस होती हैं या इनरिएक्टिव गैसेस होती हैं,
उनको फिलअप किया जाता है। मींस जो अक्रिय गैसें होंगी, जो नोबल गैसेस होंगी, जो रिएक्शन नहीं करती किसी से, उनका कोई लेना देना नहीं रहता किसी से भी, मेटल से भी, तो इस वजह से आर्गन या नाइट्रोजन को फिलअप किया जाता है। इसी रीजन से इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन, या फिर आप कॉमनली बोल सकते हो कि नोबल गैस फिलअप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। यहां पे कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि जो टंगस्टन मेटल है उसको हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में एज ए फिलामेंट। बच्चों क्यों यूज करते हैं, रीजन ये है यूज करने का कि जो टंगस्टन होता है ना बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, बिकॉज हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। अब आपको लग रहा होगा कि सर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। चलो मैंने मान लिया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन मेटल का, इस वजह से टंगस्टन को एज ए फिलामेंट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट का यहां पे काम क्या है बेटा, काम यह है कि बल्ब जो है ना, जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा बल्ब, उतना ही जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो हीट हो जाने पर भी बल्ब क्या होगा, हमारा फ्यूज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से हम टंगस्टन का यूज करते हैं और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि इफ द पीडी बिटवीन द एंड ऑफ अ वायर फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, By how much does the electric power decrease? अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है कि the PD between the end of a wire, एक वायर के एंड में जो PD होता है वो अगर हाफ कर दिया जाए, ठीक है, PD को क्या कह रहा है, PD हाफ किया जा रहा है और रेजिस्टेंस को फिक्स किया जा रहा है, तो पावर में क्या चेंज आएगा बच्चों, पावर डिक्रीज करेगी और कितना डिक्रीज करेगी वही कैलकुलेट करना है। बच्चों देखो, पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है v स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, अब देखो r से यहां पे मतलब नहीं है क्योंकि r को क्या कर दिया, इसने फिक्स कर दिया, और जब r को फिक्स कर दिया तो मतलब है p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि PD को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो पावर कितनी डिक्रीज हो जाएगी। PD को मैंने क्या कर दिया, V जो है वो क्या हो गया, 1/2V हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P 1/2 इंटू वी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 वी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर पहले क्या था, P, मान लो ये P डैश है, तो आपका क्या हो जाएगा, P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 टाइम्स ऑफ P। मतलब कि पहले जो पावर थी ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V था, और जब V बाई टू हो गया, हाफ V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ कर दिया गया, आधा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस केस में जो पावर होगी ना वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे होगे 1/4 हो जा रही है। ठीक है, 1/4।